जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर इसके लास्ट पार्ट में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो पार्ट आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी, तो लास्ट में देख लेना उस पार्ट को भी। और आपका कोई भी सवाल है ड्रॉइंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके जवाब नेक्स्ट किसी वीडियो में दूंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या ड्रॉ करूँ, ये तो फाइनल पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, और वैसे भी बनाता हूँ कोई जैसे देखते नहीं, इतना सब्सक्राइबर मुकाबले देखा जाए तो 100 लोग भी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें मेरे वीडियो में क्या कमी है, और बहुत सारी कमी तो है ही बताए मुझे, पर इतना पता नहीं कहाँ पर कमी है। वो अगर कोई अगर बता देता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए। तो इसलिए देखा करो कोई मिस्टेक है तो बताओ किससे बनाना चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। आप लोग कोई बताते नहीं हो और बना देता हूँ तो देखते नहीं, यही बस रीजन है। अगर बता दे चलो, आपका काम आप कर रहे हो, हमारा काम मेरा काम मैं कर रहा हूँ, जो भी आगे होगा देखा जाएगा। जिस तरह से हम हेयर ग्रो करेंगे, बॉडी टेक्सचर, स्किन टेक्सचर, पहले आपको जो आटो के ऊपर जो फर्स्ट लेयर क्या देना होगा वो आपको करना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो है सन का जो है लाइट रिफ्लेक्शन वो यहाँ पे हेयर्स के ऊपर दिख रहा है, तो सबसे पहले वो कलर अप्लाई करना। उसके बाद उसके जो थोड़ा बहुत डार्क होगा वो ऑब्जर्व करना है, उससे सबसे जैसे ब्लू कलर अप्लाई करना। उसके बाद इसको थोड़ा ब्लेंडिंग के लिए मैं जो है व्हाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, बस यही एक रीज़न है। बाकी फाइनल लेयर में हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगा, तो इसको अच्छे से ब्लेंड किया जा सकता है अगर आप व्हाइट ऑयल पेस्टल अप्लाई करके कलरिंग करते हो तो। अब मैं जो है थोड़ा सा चाहे जिस तरफ डार्कनेस थोड़ा बहुत ज़्यादा है हेयर्स की तो उनको मैं सेटिंग कर रहा हूँ मीडियम प्रेशर से। अब मैं इनको कॉटन बार से उसी डायरेक्शन में मीडियम चेयर से हल्के हल्के से ब्लेंड कर दिया जाऊंगा, और ब्लेंडिंग के साथ साथ जो है हाईलाइटिंग भी करने की कोशिश करूंगा। हाईलाइटिंग या फिर व्हाइट ऑयल पेस्टल कलर है, ये भी ब्लेंडिंग का ही काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं जो है नेक्स्ट लेयर कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल से, तो जिस डायरेक्शन में जो है हेयर्स अपने ड्रो आउटलाइन ड्रो किया था हमने, उसी डायरेक्शन में हमें जो है आउटलाइन जो है मैकेनिकल पेंसिल से सेटिंग कर देना है फर्स्ट लेयर पे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर और डार्क करेंगे, जिस तरफ डार्कनेस ज़्यादा है उसके लिए हम ग्रेफाइट पेंसिल 12B यूज कर रहे हैं। तो मैं स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं प्रूशियन ब्लू डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो हर एक जगह पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद जिस तरफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा डार्कनेस होगा उस तरफ थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर से सेटिंग करना है, जैसे कि मैं करने वाला हूँ, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैंने सेटिंग करने के लिए जो है ब्लैक कलर भी यूज़ किया है, जिस तरफ डार्कनेस ज़्यादा है इसको ब्लेंड करूँगा तो ब्लैक कलर और जो डार्क ब्लू वो दोनों अच्छे से प्लेन टेक्चर बन जाता है इस तरह से ब्लेंड करने से। और थोड़ा ज़्यादा डार्क करने के लिए ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 12B। ब्लेंडिंग करना है आपको, ब्लेंडिंग हल्के हल्के से करोगे तो भी अच्छे से हो जाएगा डार्क जितना आप चाहते हो डार्कनेस करना। अब मैं व्हाइट ऑयल पेस्टल कलर से हाईलाइट करूंगा जिस तरफ ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है तो उन जगह पे।
और अभी इनको कॉटन मिल से हल्के हल्के से ब्लेंड कर दूंगा अच्छे से जितना हो सके। और अब मैं ज्वेलरीज को ग्लो करूंगा, तो ज्वेलरीज को सबसे पहले व्हाइट कलर ही अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद ब्लू कलर भी अप्लाई करने की कोशिश करूंगा जिस तरफ जो इफेक्ट दिख रहा है। और मैं ब्लू कलर अप्लाई कर रहा हूँ कलर पेंसिल का ही, तो उससे आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो मैंने ज्वेलरीज का ड्रॉ किया था। और बीच बीच में आपको रेड कलर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। और ऑयल पेंसिल कलर तो व्हाइट ब्लू कलर, उसके बाद यहाँ पे एक वही प्रोसेस जो मैंने किया था ज्वेलरीज में पहले। और अब मैं जो है वाटर कलर अप्लाई करूंगा हाईलाइटिंग के लिए, जो ज्वेलरीज में ड्रॉ किया था उन सबको जो हाईलाइट करूंगा अच्छे से जितना हो सके। आपको यहाँ पे व्हाइट वाटर कलर फेब्रिक कलर और व्हाइट जेल पेन यूज कर सकते हो। ग्रेफाइट पेंसिल से थोड़ा सा शेडो इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ ज्वेलरीज का, और थोड़ा डिटेलिंग भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग भी कर देना है लगे हाथ। और वाटर कलर से अपने इन सबको हाईलाइट कर दूंगा जिस तरफ जितना हाईलाइट है उस तरफ से। और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हल्के हल्के से जो है ब्लेंडिंग करके अपने ज्वेलरीज को ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले अब मैं स्टार्टिंग में ही जो है ब्लू कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डिटेलिंग करने के लिए। उसके बाद ऑयल पेस्टल कलर मीडियम प्रेशर से शेडिंग और ब्लेंडिंग करने बाद से हाईलाइटिंग वाटर कलर से। और अब मैं सबसे पहले इन फ्लावर्स को जो है शेडिंग कर रहा हूँ, जिस तरफ हाईलाइटेड है वहाँ पे छोड़ देना है, बाकी जगह पे आपको शेडिंग करना है। और येलो कलर से मैं और रेड कलर को थोड़ा सा लाइट रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके बाद जहाँ पे मैंने शेडिंग नहीं किया था उस व्हाइट ऑयल पेस्टल में यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटिंग के लिए, जिस तरफ हाईलाइटेड पार्ट है। और इनको जो है थोड़ा शेडिंग इफेक्ट देना है, शेडो इफेक्ट, इसके लिए 12B ग्रेफाइट पेंसिल। और यहाँ पे मैं अब ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन आप लोगों को आसान से मिल जाएगी उसी में बॉक्स में। तो यहाँ पे फिर से दोबारा रेड कलर भी यूज कर रहा हूँ और येलो इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मैंने लेफ्ट साइड में जो प्रोसेस किया था वही सेम प्रोसेस इनको जो है जाहिर जिस तरफ जो इफेक्ट दिख रहा है वही प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाहिर जिस तरफ थोड़ा ऑरेंज तो ब्लू उस हिसाब से जैसे मैंने कहा था पहले, ताकि जो इफेक्ट दिख रहा है वो जो कलर दिख रहा हो धीरे ध्यान से आपको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना होगा, तभी आप जो है ये सब ऑब्जर्व करके अच्छे से शेडिंग कर पाओगे। अब मैं व्हाइट ऑयल पेस्टल कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए। वही जो ब्लू इफेक्ट है इफेक्ट तो सेम ब्लू कलर है ही, हाईलाइटेड जहाँ पे है ज़्यादा वहाँ पे नहीं करूँगा शेडिंग। और अब मैं जो है
इस बार जो है ग्रेफाइट पेंसिल या मैकेनिकल पेंसिल यूज़ ना करके डायरेक्ट जो है ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ हेयर्स को ड्रॉ करने में। जैसे कि लेफ्ट साइड में मैंने किया था ग्रेफाइट पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल से लेयरिंग करके। और अब मैं इनको जो है कॉर्नर से बिल्कुल अच्छे से कोशिश करूँगा ब्लेंड करने की, जिस जिस डायरेक्शन में जिस तरह से शेडिंग करना चाहिए उसी हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 12 में, जिस तरफ ज़्यादा डार्कनेस है उस तरफ ही भाव आते हैं। ब्लेंड करके अब मैं कटर से इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ब्लेड भी यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई सवाल तक मैंने बता देना। जय सियाराम।